नमस्कार, मैं निहाल अजीज और आप देख रहे हैं INS24 न्यूज। दिन भर की छोटी बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूं आपके सामने। शुरुआत करते हैं जिले की बड़ी खबर से, जहां पूर्वी चंपारण डीएम ने अहिंसा दौड़ का सफलतापूर्वक आयोजन करवाया। जिलाधिकारी ने लोगों को स्वस्थ रहने एवं खुश रहने का मूल मंत्र देते हुए कहा कि जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी खुश रह सकते हैं। अहिंसा दौड़ में सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। जानी मानी बैडमिंटन खिलाड़ी ज्वाला गट्टा ने मौके पर मौजूद रहकर धावकों का उत्साह बढ़ाया। वहीं पुलिस अधीक्षक ने समारोह में शांति एवं विधि व्यवस्था बनाए रखने की पूरी व्यवस्था की। अहिंसा दौड़ में खुद जिलाधिकारी ने दौड़ लगाया और लोगों में यह संदेश दिया कि खुश रहने के लिए स्वस्थ रहना बेहद जरूरी है। जिलाधिकारी के इस आयोजन से जिले भर के लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिला है। शहर के गांधी मैदान में बुजुर्गों एवं बच्चों का भी दौड़ आयोजित किया गया। भाग लेने वाले स्वयंसेवी एवं संस्था को जिलाधिकारी ने सम्मानित किया। मौके पर मौजूद मोतिहारी विधायक ने हरी झंडी दिखाकर अहिंसा दौड़ को रवाना किया। सुनिए डीएम साहब को। मोतिहारी में आज जो ये रन फॉर पीस ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, सबसे पहले जो है यहाँ के मेरे मंत्री जी है उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। सभी पूर्वी चंपारण के जिला और द सेंसेशन बैडमिंटन प्राइड ऑफ इंडिया ज्वाला जी यहाँ पे है, मैं ज्वाला जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। देखिए, रन फॉर पीस ये जो ऑर्गेनाइज किया गया है, इसका मूल उद्देश्य तीन है। फिट इंडिया, अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है, एक्सरसाइज कर रहे हैं तो निश्चित आप स्वस्थ रहेंगे, लेकिन उसके साथ आपको पर्यावरण भी ठीक होना चाहिए। तो जल जीवन हरियाली, ये हमारा नेक्स्ट उद्देश्य है। और थर्ड जो इम्पोर्टेंट है कि कल जो है हम विन अगेंस्ट कोरोना ड्राइव स्टार्ट हो रहा है ऑल इंडिया में, सारे भारत में। ये एक मैसेज है कि अगर हमको सारे प्लेटफॉर्म पे अगर हम वर्क करते हैं पर्यावरण, स्वास्थ्य और वैद्यकीय क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र में, तो निश्चित जो है हम आगे बढ़ेंगे और नेशन आगे बढ़ेगा। बिहार ऑलरेडी एक ऐसी धरती है जहाँ पे चंपारण में सत्याग्रह पहला हुआ था, अहिंसा का। बापू जी यहाँ पे आए थे, कई दिन यहाँ पे रुके थे। बिहार गौतम बुद्ध की भी धरती है, यहाँ वाल्मीकि जी का भी स्थल रहा है। तो मेरे यूथ्स को, चंपारण के यूथ्स को एक निश्चित मोटिवेटिंग है कि यहाँ पे ज्वाला जी जैसे स्टाफ ने यहाँ पे आए हैं। एंड वी होप फॉर हेल्दी चंपारण, हेल्दी बिहार। और जो आगे जाके ये जो खिलाड़ी है, इसमें बहुत सारे पुलिस के हैं, आर्म फोर्सेस के हैं और बहुत सारे यहाँ के समाजसेवी लोग भी है आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, महिलाएं हैं। तो मैं सभी को नए साल की शुभकामनाएं देता हूँ, संक्रांति की भी शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू सो मच। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी खबर यह है कि मकर संक्रांति के पावन अवसर पर गुरुवार को केसरिया थाना क्षेत्र के खिजिरपुरा मुशहर टोली दलित बस्ती में राजद नेताओं ने मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर लालू भोज का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में पूर्व राजद केसरिया विधानसभा प्रत्याशी संतोष कुशवाहा ने बताया कि पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के निर्देश पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वहीं पार्टी कार्यवाही झेल रहे पूर्व राजद विधायक डॉक्टर राजेश कुमार के नेतृत्व में भी राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के आह्वान पर मकर संक्रांति के अवसर पर दही चूड़ा का भोज आयोजन किया गया। आपको मालूम होगा कि राजद ने पूर्व विधायक का टिकट काट दूसरे नेता को अपना प्रत्याशी बनाया था। वहीं पूर्व जिला अध्यक्ष बच्चा यादव ने पूर्व विधायक डॉक्टर कुमार को पार्टी का कद्दावर नेता बताते हुए कहा कि पार्टी के वरीय नेता के रूप में उन्होंने पार्टी के लिए समर्पित होकर कार्य किया है तथा हमेशा लालू यादव के हितों के लिए काम करते आ रहे हैं। हमेशा उनके नीति और सिद्धांतों को अपना आदर्श मानते हुए पार्टी के लिए कार्य करते आए, जिसको लेकर इनका केसरिया समेत पूर्वी चंपारण में एक अलग पहचान रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर ढाका से है, जो काफी दुखद है। दसवीं की मासूम छात्रा से स्कूल डायरेक्टर डरा धमका कर 2 साल से दुष्कर्म करता आ रहा था। इसी बीच किसी ने दुष्कर्म का मैसेज वायरल किया तो भेद खुला और घटना से गुस्साए लोगों ने स्कूल पर हमला कर दिया। मामले में सिकरहना डीएसपी शिवेंद्र कुमार अनुभवी ने बताया कि डायरेक्टर की गिरफ्तारी के लिए ढाका स्थित आवास व मोतिहारी में छापेमारी की गई, लेकिन अब तक अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। डायरेक्टर के एक परिजन को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। छात्रा को मेडिकल जांच के लिए मोतिहारी भेजा गया है। छात्रा के साथ डायरेक्टर द्वारा अश्लील हरकत किए जाने का किसी ने लाइव वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था। 10 जनवरी को सोशल मीडिया पर वायरल किया गया वीडियो देखने के बाद लोगों ने स्कूल पर धावा बोल दिया। लोगों ने स्कूल में तोड़फोड़ की तथा स्कूल के वाहनों को नुकसान पहुँचाया। पुलिस हस्तक्षेप के बाद मामले को शांत किया गया। अपने आसपास की खबरों को जानने के लिए हमें सब्सक्राइब करें YouTube चैनल पर और साथ में बेल आइकन दबा दें। अगर आप यह खबर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को फॉलो कर लीजिए, ताकि हम आपको हर खबर से अपडेट रख सके। इस वीडियो पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।